हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों? आज आपकी पहली क्लास है केमिस्ट्री की, और क्लास 10th में आप आ गए हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और बच्चों, आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, और उम्मीद है कि इस क्लास में आप सब लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। और पहला चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम ये बताना चाहते हैं सबसे पहले, वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस, एंड देयर आफ्टर वी विल आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। इन दिस चैप्टर वी विल हैव सम टॉपिक्स व्हिच आई वुड लाइक टू हाईलाइट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक। We will have to understand first what is chemical equation. Then we will have to discuss what is the chemical equation and chemical reaction, chemical equation, how they are correlated to each other. Thereafter, we will understand what is how chemical equation can be balanced or to write balanced chemical equation. यानी समीकरण को balance संतुलित रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे जो बैलेंस्ड हो। और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के, किस तरह के रिएक्शंस हैं उसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशंस, इस तरीके के कई सारे रिएक्शंस होंगे, उनको सीखेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन भी करेंगे जो चैप्टर के अंत में दिया हुआ है। कुल मिलाकर ये क्लास कई हिस्सों में बटा होगा, कई दिनों तक चलेगा, और आज हम लोग शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का। और सबसे पहला जो जरूरी चीज है इसको समझने के लिए चैप्टर को, वो हम बताते हैं। थोड़ा सा डिटेल बात होगी क्योंकि हर एक बच्चे को अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिए जाएंगे जो आपके आसपास हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है और इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो बच्चों, सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि चेंजेज क्या है और चेंजेज कितने तरह के होते हैं, उसके बाद ही बात होगी कि केमिकल रिएक्शंस क्या है और इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। तो आपके आसपास, अराउंड यू, देर आर सो मेनी चेंजेस टेक्स प्लेस एवरी डे इन योर लाइफ, एंड यू कैन सी देम, यू कैन रियलाइज देम, यू कैन अंडरस्टैंड द फेनोमेना ऑफ चेंजेज इन विच द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज अंडरगोज टू चेंजेज। लाइक यू पुट द वाटर इन द फ्रिज एंड यू आर गेटिंग दैट इट इज कन्वर्टेड आफ्टर सेवरल आवर्स इन टू फॉर्म ऑफ आइस। Here, the state of water, that is liquid primarily, is going to change in form of solid, which is in form of ice. So, यहाँ पर पानी की जो पहले जो अवस्था थी वो लिक्विड थी, और उसके बाद वो सॉलिड के रूप में यानी आइस के रूप में कन्वर्ट हो गया। उस आइस को निकाल के आप रूम टेम्परेचर पे अपने घर पे रखते हैं, तो आप ड्राइंग रूम में रख दीजिएगा, तो क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद फिर पानी बदल जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह का कोई और भी चेंजेज आप देख सकते हैं, जब घर में मम्मी आपके खाना बनाती है तो आप देखते हैं कि पानी गर्म होता है और उसमें से कुछ वेपर्स निकलने लग जाते हैं, दैट इज ए प्रोसेस ऑफ वेपराइजेशन। जब बॉयल होता है तो धीरे धीरे वेपर उसमें से निकलने लग जाता है। अगर इस वेपर को हम इकट्ठा करें, पहली चीज तो यहाँ पे ये चेंज हो रही है कि लिक्विड से वेपर में, वेपर काइंड ऑफ टाइप ऑफ गैस कंसिडर कर सकते हैं, तो ये गैस के रूप में कन्वर्ट हो जा रहा है। और उसके बाद जब हम इसे वापस कंडेंस करें, अगर इसको इकट्ठा करके सारे वेपर को और कूल किया जाए, तो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है, उसकी वजह से फिर से ये पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें जो चेंज हो रही है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, लिक्विड से गैस, जैसे वाटर टू वेपर हुआ और वाटर टू आइस हुआ तो लिक्विड टू सॉलिड हुआ, फिर आइस टू वाटर हुआ तो सॉलिड टू लिक्विड हुआ, इस तरीके से चेंज होता है।
और ये सारी चेंजेस जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है। फिर ऐसा ही कुछ और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि कुछ आप कार्बन लकड़ी को जला दिए, तो लकड़ी को जलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हीट और लाइट मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो यहाँ पे कार्बन जो है लकड़ी वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल गया, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई और उससे मिल गया आपको हीट और लाइट और ये सारी चीजें। लेकिन क्या राख जो मिल गया, जो एस बच गया, डस्ट पार्टिकल जो भी बच गया आपके पास, उससे हम फिर से लकड़ी बना सकते हैं? नहीं, नहीं बना सकते। इसी तरह से घर में आपके पीएनजी सीएनजी जो गैस होता है, ये आप देखते हैं कि उसको हम जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस स्टोव के जरिए, और उसके बाद उससे हीट और लाइट मिलती है, एनर्जी मिलता है जिससे हमारा खाना कुक होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि वापस हम इससे लकड़ी या पीएनजी और सीएनजी बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो यहाँ भी चेंज हो रहा है, जो गैस है लकड़ी है वो एस में चेंज हो रहा है, डस्ट पार्टिकल में चेंज हो गया, और यहाँ पे पीएनजी जो गैस है वो हीट एनर्जी के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में रिलीज हो गया। कुछ इस तरह का कोई ना कोई हीट और एनर्जी दे दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है, तो फिर दूसरे से पहले में चेंज होना मुश्किल है, नहीं के लगभग उम्मीद नहीं है कि ये आसानी से चेंज हो जाएगा, और होगा भी नहीं, कई केस में होगा भी नहीं, कई केस में होगा भी तो उसके बड़े सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। लेकिन अधिकांश सिचुएशन में चेंज नहीं होगा, जब ऐसी चेंजेज होंगी जहां पे एक सब्सटेंस पूरी तरह से कंप्लीटली दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए, तो इस चेंज को और इसको वापस फिर से नहीं रिवर्स किया जाए, तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। ये केमिकल चेंज है, और जिसमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाए, और कन्वर्ट करने के बाद फिर से वापस उसमें रिवर्स प्रोसेस के जरिए गेन किया जाए, वापस जैसे वाटर से आइस और आइस से वाटर, या वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, इस तरीके से, या वॉक्स से कैंडल, कैंडल से वॉक्स, ये ना, तो इस तरीके का अगर कोई एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। यानी दोनों ही सिचुएशन में सब्सटेंस की जो स्टेट है वो चेंज हो रही है, चाहे वो फिजिकल चेंज है चाहे केमिकल चेंज है। और क्या क्या चेंज हो रहा है जरा सोचो, सोचो और क्या क्या चेंज हो रहा है। एक तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है, कई बार इसके टेम्परेचर भी चेंज होंगे, कई बार इसमें से हाइड्रोजन गैस इवोल्यू होगी, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, गैस का इवोल्यूशन होगा, इवोल्व होगा, और इस तरीके का कभी टेम्परेचर चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में रख दें, तो उससे क्या होगा कि धीरे से रिएक्शन होगा, और बहुत थोड़ी ही समय के बाद आप देखेंगे कि जो पॉट आपने रखा है, जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास लिया है और इस ग्लास में आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, थोड़ा वाटर डाल दिया, देखेंगे कि उसमें से वाटर बबल निकलने लग जाएंगे, गैस निकलेगी बेसिकली, और गैस जो होती है उसमें वो हाइड्रोजन गैस होती है, और फिर इसमें से क्या निकल जाएगा, इसमें ये जो टेम्परेचर है थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो एक ग्लास जो है वो गर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी चेंज होता है। तो सबसे पहले कि चेंजेज होगी तो दो तरह के चेंजेज होगी, एक फिजिकल चेंज होगा और एक केमिकल चेंज होगा। फिजिकल चेंज जो होगा जो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, और केमिकल चेंज जो होता है जो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है। यानी फिजिकल मेथड से जो रिवर्स किया जा सके उसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज, और जो फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं किया जा सके उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों में ही एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो मिलके और एक नई सब्सटेंस बनाते हैं, देयर आर टू और मोर सब्सटेंस कंबाइंड टुगेदर, इवन ओनली वन सब्सटेंस कैन चेंज द स्टेट आल्सो, दिस इज आल्सो पॉसिबल, बट यूजुअली टू और मोर सब्सटेंस मीट टुगेदर और कम इनटू कांटेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड देयर आफ्टर एस चेंजेज अंडरगोज एंड न्यू सब्सटेंस, न्यू टाइप ऑफ सब्सटेंस व्हिच हैज अ डिफरेंट फीचर, डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर,
उस तरह का एक नया सब्सटेंस आपको मिल जाता है। तो हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लें कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या क्या। फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंजेज, फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल प्रोसेस, फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। द चेंज टेक्स प्लेस, चेंजेज टेक्स प्लेस बाई फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड। इन दिस चेंजेज व्हाट कैन हैपन, द स्टेट ऑफ सब्सटेंस ट्रांस टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस कलर ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा कैन टेक्स प्लेस राइट। बट इन केमिकल चेंजेज व्हाट विल हैपन, द केमिकल चेंजेज इज ए केमिकल प्रोसेस। व्हाट इज दैट केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंजेज इज केमिकल प्रोसेस एंड इट इज नॉट रिवर्सिबल प्रोसेस। केमिकल चेंजेज केमिकल चेंजेज चेंजेज टेक्स प्लेस बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, प्रोसेस। ठीक है, इन केमिकल चेंजेज, केमिकल चेंजेज द सब्सटेंस चेंजेज इट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इट्स चेंजेज इट्स प्रॉपर्टीज एंड चेंजेज प्रॉपर्टीज सो ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड राइट। ये हो गया कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। तो केमिकल चेंजेज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। अब फिजिकल चेंजेज का एग्जांपल एक तो ले लेते हैं। एग्जांपल फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, फिजिकल चेंजेज के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं बच्चों? आइस टू वाटर एंड वाटर टू आइस, ये फिजिकल चेंज है। वाटर टू वेपर, वेपर एंड वेपर टू वाटर, है ना, ये हो सकता है इस तरह का। वैक्स टू कैंडल और कैंडल टू वैक्स राइट। बट केमिकल चेंजेज आर व्हाट, केमिकल चेंजेज की अगर बात करें तो केमिकल चेंजेज चेंजेज आर लाइक
रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड आइटम, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यू कैन से, बर्निंग ऑफ कोल, ये भी एक केमिकल चेंजेज है, बर्निंग ऑफ एनीथिंग, गैस, कार्बन, कोल, वुड, चारकोल, दिज ऑल आर केमिकल प्रोसेस। सो दिस इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बिकॉज ऑल दीज आर फ्यूल्स। एंड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। सो दीज आर सम चेंजेज विच टेक्स प्लेस अराउंड अस। वी ईट फूड एंड द फूड फ्रॉम फूड कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, ऑल दीज आर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज आर कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड इट रिलीजेज एनर्जी। द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो दिस आर सम एग्जाम्पल्स इन विच यू कैन ऑब्जर्व दैट सब्सटांस विच इज कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म ऑफ सब्सटांस, अ न्यू सब्सटांस, दैट फॉर एग्जाम्पल वॉट वी इनटेक फूड दैट इज कन्वर्टेड इन टू ग्लूकोज, बट दैट ग्लूकोज कैन नॉट बी रिकन्वर्टेड इन टू फूड अगेन। सो रस्टिंग ऑफ आयरन यू हैव सीन एंड ऑब्जर्व इट इज मेनी टाइम्स दैट आप देखे होंगे कि कोई ह्यूमिड ह्यूमिड एयर में अगर किसी आयरन को रख दिया जाए तो क्या हो जाता है, उसके अंदर भूरा भूरा ब्राउन कलर का एक उस पे लेयर जम जाता है, उसी को कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसे धीरे धीरे वो क्या होता है, कोरोजन होती है और फाइनली वो बहुत वीक हो जाता है, टूट जाता है। अभी आजकल सरिया का ऐड आ रहा है बहुत सारा कि ये जो है खराब सरिया लगाने से, यानी रॉड लगाने से, सरिया रॉड को कहते हैं, रॉड लगाने से बिल्डिंग जो है कमजोर होती है, छतें कमजोर होती हैं और जल्दी से गिर जाती हैं। तो इस तरीके का कुछ चेंजेज जो है वो केमिकल चेंजेज है। इसी तरह से अगर हम आगे और बात करें तो कोई भी चीज हम जब जलाते हैं या दो से अधिक सब्सटेंस जब रिएक्शन करते हैं तो एक नया सब्सटेंस बनता है। अब इसमें ये जो है कि जो सब्सटेंस पहले रिएक्शन करते हैं केमिकली कंबाइंड टुगेदर तभी रिएक्शन होती है। अब अकेला सब्सटेंस भी रिएक्शन कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ हीट। अगर उसे हीट करें तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं ब्रेक होके दो अलग अलग सब्सटेंस पे कन्वर्ट हो सकते हैं, या खुद ही इन प्रेजेंस ऑफ एयर रिएक्शन करते हैं तो एक ही सब्सटेंस ही नहीं है, उसमें दूसरे सब्सटेंस की प्रेजेंस होना जरूरी है। जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रस्टिंग हो रही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई चीज जल रहा है, तो इस तरीके से दो या दो से अधिक सब्सटेंस, कई बार अकेले एक सब्सटेंस भी होता है, एक उसके लिए कैटलिस्ट होता है जो जिसके प्रेजेंस में वो रिएक्शन करके और डिकम्पोज हो जाता है, यानी स्प्लिट हो जाता है दो अलग अलग नए डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज में। तो ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन जो बेसिक चीज है वो ये है कि जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो तरह की चीजें होती है, एक होता है रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स दोज सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट्स, राइट, रिएक्टेंट्स। एंड द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट दोज सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, सब्सटेंस इज कॉल्ड प्रोडक्ट व्हिच इज आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, राइट। सो
व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। और उस रिएक्शन को ही चूंकि केमिकली कंबाइन हो रहे हैं इसलिए इसमें केमिकल चेंज हो रहा है, इसलिए उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, ये हम कहते हैं कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन टुगेदर, अगर इसी बात को कहेंगे केमिकल रिएक्शंस क्या है, तो अब देखिए लिखते हैं इसके डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन किसे कहेंगे, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन टुगेदर टुगेदर देन केमिकली कंबाइंड टुगेदर देन अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हिच कैन चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस सब्सटेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस स्टिक्स ऑफ सब्सटेंस कंप्लीटली, और न लिखे एंड लिखे एंड कैरेक्टर्स ऑफ कंप्लीटली ले कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे अगर मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, एक एग्जांपल लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन किया गया, दो अलग-अलग गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऑक्सीजन गैस है, दोनों को कंबाइन किया गया और कंबाइन करने के बाद अगर ये केमिकली रिएक्ट हो, दोनों गैस हैं, तो बनेगा H2O जो क्या है, लिक्विड वाटर। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर एंड इट विल फॉर्म H2O दैट इज कॉल्ड वाटर, ये है वाटर। ठीक है, और ये है हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये दोनों गैस है। अब यहां पे ये देखिए कि दोनों के स्टेट भी चेंज हो गए, और हाइड्रोजन गैस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या वाटर की वही कैरेक्टरिस्टिक्स है, नहीं, तो स्टेट भी चेंज हुआ, स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी चेंज हुआ, और क्या चेंज हुआ, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गया। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में दो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, क्या कहते हैं इनको, रिएक्टेंट्स, इनको रिएक्टेंट्स। और इधर जो राइट हैंड साइड में जो सब्सटेंस बना उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स जो होता है वो किसी भी, इस पूरे को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, क्या कहते हैं इसको, केमिकल इक्वेशन, ये है रहा, इसको हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में यहाँ इक्वल टू नहीं होता, बल्कि इक्वेशन में तो आप देखे होंगे 10th क्लास में कि या 9th क्लास में कि बीच में इक्वल टू का साइन होता है, यहाँ इक्वल टू का साइन ना देकर एरो का साइन देते हैं, और एरो के साइन में लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है वो होता है रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। इधर से ये बना है लेफ्ट टू राइट, ऐसा लिखने का रिवाज है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, एक रिवाज है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा होता है रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में हमेशा होता है प्रोडक्ट। तो लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। इस इक्वेशन के अगर जो इसमें एटम्स पार्टिसिपेट किए हैं उनका संख्या हम इक्वेट कर दें, दोनों तरफ बराबर रखें, तो हम उसको कहते हैं कि हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। बैलेंस का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि किसी भी, पहले 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड ये भी पढ़ा है कि जो टोटल मास होती है सब्सटेंस का किसी भी रिएक्शंस में, किसी भी कम्बिनेशन में, किसी भी फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल में वो चेंज नहीं होता। मास जो होता है वो कंजर्व रहता है। तो ड्यूरिंग चेंजेज, केमिकल चेंजेज ऑल्सो मास विल रिमेन कंजर्व, और मास एग्जैक्टली कंजर्व तभी रहेगा, है ना, मास जो है पूरी तरह से कंजर्व तभी रहेगा जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम रहेंगे दोनों तरफ। जितने रिएक्टेंट्स में रहेंगे उतने ही प्रोडक्ट में रहेंगे, तो मास जो होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। तो आपको ये देखना है बच्चों कि जितने मॉलिक्यूल्स या एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में हैं उतने ही एटम्स राइट हैंड साइड में भी उस एलिमेंट का होना चाहिए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में और ज्यादा बातें थोड़ी आगे सीखेंगे, इसी चैप्टर में है, थोड़ी आगे से टाइम में सीखेंगे। अभी हम छोटी सी बात आपको बता देते हैं कि इसको बैलेंस लिखना चाहिए, इक्वेशन को हमेशा बैलेंस लिखना चाहिए। देखो इधर में ऑक्सीजन एक है, इधर में ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, दो, दो एटम मिलके ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल बनाए हैं, इसलिए ऑक्सीजन इधर भी तो दो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे कि इधर टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टू हम अलग कलर से इसलिए लिखे हैं ताकि आपको पता चले। अब इधर टू ऑक्सीजन हो गए और इधर में हाइड्रोजन, अब कितने हो गए, हाइड्रोजन के ये दो मॉलिक्यूल हैं, दो, टू इंटू टू कितने हो गए, फोर। तो एक मॉलिक्यूल में, वाटर का एक मॉलिक्यूल H2O में दो हाइड्रोजन है, तो दो मॉलिक्यूल जिधर मल्टीप्लाई किया ना, इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता चलता है, ठीक है ना। ये टू जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो टू मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन है तो टू मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन हो गए बच्चों, फोर। तो फोर हाइड्रोजन इधर है तो इधर भी फोर होना चाहिए, तो यहां भी अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी फोर हो जाएंगे। अब इसके जो टोटल रिएक्टेंट्स का मास होगा और प्रोडक्ट का मास होगा वो दोनों क्या होगा, सेम होगा। कैसे, हाइड्रोजन का मास एक होता है, अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा हालांकि, लेकिन फिर भी बता देता हूं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास ऑफ रिएक्टेंट्स क्या हो गए, तो हाइड्रोजन का वन होता है और यहाँ टू इंटू टू फोर हाइड्रोजन है, तो फोर हाइड्रोजन का फोर हो गया मास। ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 और दो ऑक्सीजन है तो 16 इंटू टू 32 प्लस फोर, 16 इंटू टू 32, 32 प्लस फोर 36 हो गया। और मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, H2O में ये टू मॉलिक्यूल का हमें कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन का वन होता है, टू हाइड्रोजन प्लस 16 ऑक्सीजन, 16 और टू 18, टू इंटू 18 इज इक्वल टू 36। तो आप देखें कि मास तभी कंजर्व रहेगा जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स ऑफ एनी एलिमेंट विल रिमेन सेम इन नंबर ऑफ इन प्रोडक्ट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल रिमेन सेम इन नंबर ऑफ इन प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट का, एटम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। आगे इस पे और अभी हम बात करेंगे और सिखाएंगे कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है। फिलहाल आपको हमने सिखाया कि दो तरह के चेंजेज होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उसमें अब फिजिकल मेथड से किया जाता है, आइस को वाटर बनाने के लिए आपको कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, कोई और चीज नहीं चाहिए, सिंपल सा ला करके आप रूम टेम्परेचर पे रख दिए कमरे में, ड्राइंग रूम में, और वो क्या हो गया, आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गया, या हीट किया या इस तरह का कुछ किया तो वेपर में कन्वर्ट हो गया, वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन इसके लिए कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं होते, ये एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें स्टेट चेंज हो जाता है, लिक्विड से वेपर बन गया और लिक्विड से सॉलिड बन गया, इस तरीके का होता है। केमिकल चेंजेज क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस के जरिए होता है और इसमें सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीटली चेंज हो जाती है। यहाँ पे फिजिकल चेंजेज में क्या होता है कि सब्सटेंस का
स्टेटस स्टेट्स चेंज हो जाता है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स मोर और लेस सेम ही रहती है। जैसे वाटर का जो टेस्ट है, आइस का टेस्ट वैसा ही है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से थोड़ा सा आपको वेरिएशन लग सकता है, बट सेम है, उसमें कोई नई चीज नहीं है। इसी तरह से आप अब दूध को दही बना दिए, तो दूध से दही बना दिए, मिल्क से कर्ड बना लिया आपने, तो ये किस तरह का चेंज होगा बताओ? क्या हम कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? यही सोचना चाहिए। क्या हम कर्ड से मिल्क बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो ये फिजिकल चेंज नहीं हुआ, ये रिवर्सिबल नहीं है, इसमें केमिकल चेंज हुआ। तो इस तरीके से हम देखेंगे, जब भी कोई चेंजेज होगा तो उसमें ये सोचना है कि क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है। अगर रिवर्स किया जा सकता है तो फिजिकल चेंज है, अगर रिवर्स नहीं किया जा सकता तो केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, और जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। उसमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन करने के लिए, उनको कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन के बाद आउटपुट होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना? तो आओ एक एक्सपेरिमेंट के जरिए समझते हैं बच्चों कि कैसे केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज में सब्सटेंस कैसे बनता है। ये देखो, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, मैग्नीशियम का फीता रिबन होती है, और उसको बढ़िया से सैंड पेपर से थोड़ा साफ कर दो ताकि उस पर डस्ट पार्टिकल वगैरह जो है वो उसमें से रिमूव हो जाए, और ये मैग्नीशियम प्योर होता है, ये रिबन होती है। उसको किसी स्पिरिट लैम्प से आप जलाओ, उसके पास रखो, ये टोंग है जिसकी से पकड़ के हम इसको जला रहे हैं, ताकि, और थोड़ा दूर रह के जलाना चाहिए, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं अपने लैब में, थोड़ी दूर रह के जलाना चाहिए ताकि आंखों में ना लगे, आंख को बचाना होता है। व्हाइट फ्लेम के साथ ये जलेगा, और जलने के बाद यहाँ पे अगर एस ट्रे रखेंगे तो धीरे धीरे ये देखिए एस गिर के और इसमें जमा होगा। ये वॉच ग्लास है, यहाँ पे जो जमा हुआ वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, व्हाइट व्हाइट जो फ्लेम के साथ ये जला और व्हाइट जो पाउडर के रूप में मिला वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें क्या क्या रिएक्शन किया होगा? ये जो हमने रिबन लिया है ये है मैग्नीशियम का, ये है मैग्नीशियम का, और जो ये जल रहा है किसकी प्रेजेंस में जल रहा है? कोई और चीज तो है ही नहीं, आप सोचेंगे कोई और चीज नहीं है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है। ऑक्सीजन जो है वो किसी भी चीज को जलाने के लिए जरूरी होता है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, यानी इसमें रिएक्शन हो रहा होगा Mg+O2, और इससे बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो बना है ये है व्हाइट मैग्नी पाउडर, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये बन गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखिए दो ऑक्सीजन है, उसी तरह से धीरे धीरे सीखते भी रहते हैं साथ के साथ। अब दो ऑक्सीजन इधर है, ऑक्सीजन के दो एटम, इधर एक ही है, तो इधर दूर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो दो हो जाएंगे इधर ऑक्सीजन। अब दो मैग्नीशियम हो गए, तो इधर भी टू से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो इस तरह से ये हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। और आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, थोड़ा आंखों को बचा के कर सकते हैं। मैग्नीशियम के रिबन जो है वो लैब में मिलते हैं, आप उसे लेके जला सकते हैं, जला के ये इकट्ठा कर सकते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या है कि पहले जो मैग्नीशियम था वो मैग्नीशियम किस तरह का था जी? पहले मैग्नीशियम था वो सॉलिड था, वो सॉलिड था रिबन, और ऑक्सीजन क्या है? गैस, गैस के प्रेजेंस में हमने जलाया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन गया ये एक पाउडर के रूप में बना, ये भी क्या है? पाउडर, पाउडर के रूप में बन गया, ये भी एक तरह का सॉलिड ही है, ये क्या है? सॉलिड ही है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म कह सकते हैं, बट ये काइंड ऑफ सॉलिड ही है, ये भी एक सॉलिड है, तो पाउडर बन गया इस तरह का। और इसमें जो करेक्टरिस्टिक है वो पूरी तरह से चेंज हो गई, मैग्नीशियम की और ऑक्सीजन की करेक्टरिस्टिक चेंज हो करके बन गया एक नया चीज जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। तो इनको जिन्होंने फिर से, वही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे एक ही चीज को बार बार क्यों दोहरा रहे हैं, इसलिए दोहरा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छी तरह से, घर पे आप रिवीजन ना भी करें तब भी आपको कोई दिक्कत ना हो। इसको क्या कहेंगे बच्चों बताओ? रिएक्टेंट्स। और ये जो बना है इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट।
इक्वेशन बैलेंस है, बताओ। हाँ जी, बैलेंस है। तो इस तरीके से हम इसको, इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, ये हमने बना दिया एक टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब में आप रखिए इसमें इसमें पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशंस। इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन रख दिए, पोटेशियम आयोडाइड के आई, इसको हम कहें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन रख लीजिए। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और इसमें डाल देते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें डालते हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट ये डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसमें कुछ येलो कलर का, ये ट्यूब में अगर आपने डाल दिया है तो आप देखेंगे कि येलो कलर का क्लाउडी स्ट्रक्चर बन गया है। येलो कलर का आप जब इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये येलो कलर का इसमें क्लाउडी स्ट्रक्चर बन गया है कुछ, और ये मिल करके एक रिएक्शन हुई है, और येलो कलर का कुछ इस तरह का प्रोटिसिपेशन टाइप का एक बन गया है, येलो येलो कलर का, येलो कलर का क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर बन गया, येलो कलर का क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर, क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर बन गया। क्या रिएक्शन हुआ यहाँ पे? अब इसमें रिएक्शन हुआ कि हमने PbNO3 होल ट्वाइस, इसमें पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन किया। रिएक्शन करने के बाद बन गया कि पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 प्लस लेड आयोडाइड। ये जो इसमें पोटेशियम है, ये नाइट्रेट के साथ मिलकर के पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, और ये बन गया लेड आयोडाइड। अब इनको बैलेंस करना है, तो कैसे बैलेंस करोगे बच्चों, कुछ आइडिया दो हमें। देखो यहाँ पर नाइट्रेट जो है उसके दो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे नाइट्रेट एक ही है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये नाइट्रेट के भी दो मॉलिक्यूल हो जाएं, और नाइट्रेट के दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अब पोटेशियम के भी दो मॉलिक्यूल हो गए तो यहाँ पे पोटेशियम भी दो करना चाहिए, और पोटेशियम के दो मॉलिक्यूल हो गए तो यहाँ पे आयोडीन के भी दो मॉलिक्यूल हो गए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, है ना। अब ऐसा अगर करते हैं तो ये बैलेंस तो हो नहीं रहा, फिर अब दिक्कत ये आ गई कि लेड जो है वो भी दो हो गए, आयोडीन दो होने के साथ लेड भी दो हो गए, तो अब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? अब ये गड़बड़ी इसलिए हो रही है कि आपने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है वो यहाँ पे गलत लिखा है। गलत इसलिए कि लेड के साथ यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2 है नाइट्रेट के साथ, तो यहाँ पे इसकी भी वैलेंसी 2 है, इसलिए लेड PbI2 बनेगा, PbI2 बनेगा लेड आयोडाइड। आपने इक्वेशन कैसे लिखना होता है ये तो पता ही है आपको, जैसे हमने ये कहा कि लेड की वैलेंसी 2 होती है, ये PB2 नाइट्रेट की 1 है, इसलिए ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, सब तो आपने 9th क्लास में सिखा ही होगा। तो PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट होती है, और इसी तरह से पोटेशियम नाइट्रेट जो होगा, दोनों की पोटेशियम की वैलेंसी भी 1 होती है, नाइट्रेट की भी 1 होती है, तो KNO3 ट्वाइस लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है, और लेड आयोडाइड क्योंकि इसकी 2 होती है, आयोडीन की 1 होती है, तो इसलिए PbI2। अब आप देखिए कि दो आयोडीन इधर हो गया, दो आयोडीन इधर हो गया, एक लेड इधर है, एक लेड इधर है, दो पोटेशियम इधर है, दो पोटेशियम इधर है, नाइट्रेट इधर दो है, इधर भी नाइट्रेट दो है, तो इस तरह से ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इनके नाम लिख देते हैं, ये तो सॉल्यूशन है, ये है क्या, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, आयोडाइड सॉल्यूशन, ये है लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, और ये है लेड आयोडाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जो आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल दूसरा ले लिया हमने, ठीक है। अब आगे बात करते हैं,
इसी तरह से कोई और रिएक्शन लेते हैं, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने ले लिया क्या कि CH4, CH4 जानते हैं क्या होता है, मीथेन, मीथेन होता है ना, मीथेन गैस। इसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए, ये हीट का सिंबल है, ये जो ट्रेंगल टाइप देते हैं ना, इसका मतलब हीट है, गर्म किया गया, जलाया गया, टेम्परेचर दी गई, तो क्या बनेगा? तो इससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, ये बनेगा। ये CO2 बनेगा, ये गैस के फॉर्म में होगा, ये भी एक गैसेस फॉर्म में होगा। मीथेन को जलाने पे H2O वाटर जो है वाटर वेपर के रूप में निकलेगा और ये गैसेस फॉर्म होगा। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अब इसको बैलेंस करके देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक है, तीन है, इधर ऑक्सीजन दो है, तो इसको टू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इधर 2 × 2 फोर ऑक्सीजन हो गए, इधर दो ऑक्सीजन है, इसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर और एक फाइव हो जाएगा। इसका मतलब इधर दो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए बच्चों, फोर। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे, फोर, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, फोर। कार्बन यहाँ पे एक है, इधर भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 और 2 4, इधर भी 2, इधर भी 2 × 2 0, 2 × 1 दैट इज 2 + 2 ऑक्सीजन यहाँ से 4। तो इस तरीके से ये भी गैस है, ये भी एक गैस है, मीथेन गैस होती है, और इसको जलाने पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मिला है, वाटर वेपर मिला है। ये ऑक्सीजन है जिसके साथ रिएक्शन किया, तो इस तरीके से इनको क्या कहेंगे, फिर से वही बात हम कह रहे हैं, इसको कहेंगे रिएक्टेंट्स, और इनको क्या कहेंगे, ये जो आउटपुट आया इनको हम कहेंगे प्रोडक्ट, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट। थोड़ा साफ साफ लिख दूं, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, रिएक्टेंट्स और इसको प्रोडक्ट। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बनता है। ये एक एग्जाम्पल है जहां पे आप समझ सकते हैं कि इसमें जिंक के ग्रेनुअल्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, दाने जिसको कहते हैं, ग्रेनुअल्स दाने होते हैं, और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, इस फ्लास्क में जिंक ग्रेनुअल्स के साथ ऊपर से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया। अब ग्लास ट्यूब है, इसमें कॉर्क लगा हुआ है, इसमें पतली सी एक कप जो है वो पाइप लगी हुई है, और इससे आप देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, यानी एवोल्यूशन ऑफ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस। क्या रिएक्शन हो रही है यहाँ पे, आप आइडिया है आपको कि यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे जिंक के साथ रिएक्शन हो रही है, और जिंक जिंक Zn+H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बनेगा? तो ये बनेगा Zn SO4+H2, ये H2 गैस जो है वो रिलीज हो रही है, इसको कहते हैं जिंक, है ना, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये बन गया जो वो है जिंक सल्फेट, सल्फेट, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, गैस भी रिलीज होती है, टेम्परेचर भी बढ़ सकता है सब्सटेंस का, और स्टेट तो चेंज होता ही होता है ना। तो ये सारी सिचुएशन जो है केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही हो रही है। कई बार हीट भी मिलेगा, कई बार हीट की रिक्वायर्ड होगी, जैसे जिसमें हम गर्म कर रहे हैं उसमें हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, और कई बार ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें से हीट रिलीज होगी, जैसे हम कंबसन करा रहे हैं, अभी आपने देखा कि मीथेन के साथ ऑक्सीजन का कंबसन हुआ तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज हुई। तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, एक जिसमें हीट रिलीज होती है और एक जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है। जिसमें हीट रिलीज होती है उस रिएक्शंस को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट जिस केमिकल इक्वेशन में हीट रिलीज होगी उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, और जिसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट की जरूरत पड़ती है रिएक्शन को करने के लिए, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो दो बातें आप समझ गए,
एक है एक्सोथर्मिक और दूसरा है एंडोथर्मिक। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो पहला एक हुआ एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन इन विच हीट रिलीजेज आफ्टर केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। राइट, ये आपने देखा हम कंबसन कर रहे हैं तो क्या है, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा होता है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मिलेंगे, आगे हम देंगे एग्जाम्पल। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट ऑब्जर्व एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसमें हीट दी जाती है तब केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे ऊपर के हमने एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे हीट दिया है तब केमिकल रिएक्शन हुआ है। हीट बाद में रिलीज भी हो रही है लेकिन पहले गर्म करने के लिए हीट देना पड़ता है। इसी तरह से हीट रिलीज होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हीट रिलीज होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और H2O का रिएक्शन कराएं तो ये बन जाता है CaOH2 और हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, CaOH2 बन जाता है। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे बाद में, जैसा आप चाहें कर सकते हैं बैलेंस, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आज हमें लगता है कि पहली क्लास के हिसाब से कोई बहुत ज्यादा ना हो जाए। अगली क्लास में हम फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे और उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी बातें हमने बताई है, एक बार समरी कर लेते हैं कि क्या क्या सीखा है हमने। हमने सीखा है कि केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज क्या होता है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ये जब केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है तो क्या क्या होता है, इसमें जो है सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाता है, इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गैस भी निकल सकती है और इसमें जो है और डिकम्पोजिशन भी हो सकता है, प्रिसिपिटेशन भी हो सकती है, इस तरीके का कुछ चीजें हो सकती है। और ये जैसे कि हमारे आसपास में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे फर्मेंटेशन ऑफ फूड होता है, फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स होती है। आप अंगूर खरीद के लाते हैं, अंगूर रख देते हैं, 2-3 दिन बाद देखते हैं उस धीरे धीरे डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, वो फर्मेंटेशन होती है। तो ये सब केमिकल चेंजेस है, सब्जियां सड़ जाती हैं, वो भी इसी वजह से है। तो आप देखें ब्रेड खरीद के लाए, 3-4 दिन 5 दिन छोड़ दें, स्टेल हो जाता है, उसके बाद उसमें ऊपर देखें हरा हरा, उसमें फंगस लग जाते हैं, ये भी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही होता है। तो इस तरीके का जो चेंजेज है जो रिवर्सिबल नहीं है उसको हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं सब्सटेंस उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो आउटपुट होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर हम इक्वेशन को बैलेंस भी लिख सकते हैं। जो बिना बैलेंस के इक्वेशन लिखा जाता है उसको स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है ना, स्केलेटल कंकाल, कंकाल की तरह, मतलब बिना लिखे। इसी तरह से वर्ड इक्वेशन होता है,
वर्ड इक्वेशन क्या होगा कि जो हमने फॉर्मूला के फॉर्म में लिखा है उसको उसके नाम के रूप में लिख दें, जैसे सिल्वर नाइट्रेट को सिल्वर नाइट्रेट लिखें, AgNO3 ना लिखें। तो इस तरीके का हम अगर वर्ड इक्वेशन लिख सकते हैं, स्केलेटल इक्वेशन होता है जो बिना बैलेंस के होता है, और केमिकल इक्वेशन वो होता है जो सिंबल के फॉर्म में लिखा जाता है। तो सिंबल के फॉर्म में मॉलिक्यूल को जैसे सिल्वर नाइट्रेट लिखना है तो AgNO3 लिख दिया, लेड नाइट्रेट लिखना है तो PbNO3 2 होल 2 लिख दिया, इस तरीके से पोटेशियम आयोडाइड लिखना है तो Ki लिख दिया। तो ये जो हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को, तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। आखिरी में हमने एक और चीज सीखी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस में हीट जो है रिलीज होता है और कुछ में हीट रिक्वायर्ड होती है। जिसमें हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में जो बातें हमने बताई है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में ना आए तो कोई चीज ऐसी हो जब आप घर में जाकर दोबारा इसे पढ़ेंगे तो कल की क्लास में आप जरूर पूछ लेना, ठीक है? तो आज इतना रहने देते हैं, आज के लिए पहला क्लास काफी है, और उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको समझ पाए होंगे। और फिर अगली क्लास में मिलते हैं तो फिर बातें होगी इसके आगे, ठीक है? टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।